हमारा फर्स्ट टर्म के लिए है और ये सेक्शन ए का एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में रखते हैं। सबसे पहले है हमारा ये एम लिखा जाता है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियल मीटर। आज हम लोग देखेंगे कि दो प्राइमरी सेल जो है ना, उसका ईएमएफ को कैसे हम लोग पहले निकालेंगे और ईएमएफ निकालने के बाद हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। ये वेरी इजी है, ये हमारा थ्योरी थ्योरेटिकल पार्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग किस पे बात करते हैं। सबसे पहले इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर बताते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये 4 मीटर वायर लेते हैं और ये 4 मीटर वायर पैरेलली अरेंज होता है हमारे पोटेंशियल मीटर में, लेकिन ये जो कनेक्शन होता है वो सारा सीरीज होता है। इसके हेल्प से इस तरह की स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये देखिए, ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। हम लोग ए को पॉजिटिव मानेंगे और बी को नेगेटिव मानेंगे, हम दिखाएंगे अभी। और इसके नीचे हमारा स्केल लगा हुआ रहता है जिससे हम लोग लेंथ को लिखते हैं। ये हमारा 0 मीटर हुआ, ये 100 सेंटीमीटर, ये 200 सेंटीमीटर, ये 300 सेंटीमीटर और ये हुआ कितना 400 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं। हम लोग एक ड्राइविंग सेल लेते हैं, देखिए इस तरह से। ड्राइविंग सेल का जो ईएमएफ होगा हमारा जो प्राइमरी सेल है उससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1 वे की लगता है, इसको हम लोग के करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर एमीटर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, लेकिन प्रैक्टिकल करते समय अगर एमीटर हम लोग यूज करें या ना करें फिर भी प्रैक्टिकल इजीली होता है, ठीक है ना। ये हमारा ये नेगेटिव हो गया, एमीटर लगा हुआ है और यहाँ आके एक रियोस्टेट लगा हुआ है RH। अब ये रियोस्टेट हो गया हमारा, यहाँ से हमारा ये टर्मिनल रियोस्टेट में जोड़ देते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल ए में है, दैट्स व्हाई ए विल बी पॉजिटिव। और इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल की एमीटर रियोस्टेट के थ्रू बी पर है, इसलिए ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो दो प्राइमरी सेल लेते हैं उनका दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग इस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देख लेते हैं हम लोग, ये E1 और ये हमारा क्या हो गया E2। इन दोनों को 2 वे की से जोड़ते हैं हम लोग। अब ये हमारा 2 वे की हो गया, अभी हम लोग सब दिखाएंगे 2 वे की क्या है। इसको K1 कहेंगे, इसको K2 कहते हैं, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ते हैं और ये गैल्वेनोमीटर में हम लोग ऐड कर देते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के जो दूसरे टर्मिनल से हम लोग वायर लेते हैं और जॉकी में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग उस जॉकी को पॉइंट ए पर कॉन्टैक्ट करते हैं तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होता है वो इस साइड होता है, और जब पॉइंट बी में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा डिफ्लेक्शन इधर होगा, ठीक है। अगर 1 वे डिफ्लेक्शन दे रहा है तो यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक है या फॉल्ट से, हम लोग आगे देखेंगे। और अगर किसी लेंथ में जाकर ये इस तरह का डिफ्लेक्शन यानी नो डिफ्लेक्शन देता है तो हम लोग उस पॉइंट को नल पॉइंट कहेंगे, ठीक है, नल पॉइंट कहेंगे। उस केस में गैल्वेनोमीटर से होकर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, ये बताना चाहता है। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं कि ये काम कैसे करता है। बोलता है कि जब हम लोग ऑन करते हैं इसको तो ये कांस्टेंट करंट जो है इस पोटेंशियोमीटर वायर से होकर फ्लो करता है, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर वायर से होकर फ्लो करता है और इसका थ्योरी है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ, जो भी कहीं पर भी अगर हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आता है इसमें, बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इसी थ्योरी पर यह काम करेगा, ठीक है ना। और ये V बराबर KL, इसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट K, क्योंकि K इक्वल टू होता है V बाय L। अब देखिए इसी थ्योरी के हम लोग लगाएंगे ये E1 पे। चलिए हम लोग इसको अगर कनेक्ट करते हैं, इसको डिसकनेक्ट रखते हैं, कि K1 को हम लोग ऑन करते हैं और इसको ऑफ रखते हैं। अब इसको जब हम लोग यहाँ से स्लाइड करना चालू करेंगे, मान लेते हैं कि इस लेंथ में आके हमें नल पॉइंट मिला यानी डिफ्लेक्शन 0 हुआ, तो ये वाली लेंथ को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। यहां से यहां क्या कर लेंगे L1,
यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, L1, और E1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, KL1, K कांस्टेंट रहेगा हमारे पास यहां पर, ये पहला नल पॉइंट हो गया, इसलिए इसको हम लोग J1 कहेंगे। सेम प्रोसीड्योर हम लोग इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है, किसके लिए यूज करेंगे, इस जगह के लिए यूज करेंगे हम लोग, क्लियर। अब इसके लिए यूज करेंगे तो K1 को ऑफ रखेंगे, अब K2 को ऑन रखेंगे और फिर स्लाइड करेंगे, वही टर्म आएगा। मान लेते कि ये आके इस लेंथ में हमें मिला, यहां पर मिला, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा J2, क्लियर है। ये पूरा लेंथ हम लोग कंसिडर करेंगे, मान लेते ये लेंथ हमारा क्या हो गया L2, ठीक है, L2 जितना आएगा इधर से 100 और यहां पर जो लेंथ आया, ठीक है, हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा L2। अब पोटेंशियल ड्रॉप, अभी हम लोग थ्योरी देखे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वो लेंथ हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा E2 बराबर KL2। अब ये वर्किंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, E1 by E2 equal to L1 by L2, ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और हम लोग आगे दिखाएंगे कि हम लोग L1 और L2 किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जो अभी हम लोग थ्योरेटिकल दिखाए वो प्रैक्टिकल दिखाएंगे। हम लोग L1 तीन बार इसको मेजर करेंगे, L2 को भी तीन बार मेजर करेंगे, फिर मीन लेने के बाद फाइनली E1 by E2 कर देंगे। हो सकता है कि दोनों सेल का EMF सेम हो सकता है दोनों सेल का EMF डिफरेंट भी हो। यहाँ एक बात गौर करना है कि जब ये वाला पार्ट हम लोग लेते हैं, ये ऑफ था ये ऑन था, ये वाला पार्ट जो लेते हैं तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इसके टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल हो जाता है, दैट्स व्हाई ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल हमारा क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिया था E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 या E1 बराबर KL1। ये थ्योरी भी हमारा एग्जाम के लिए है। फिर इसको जब हम लोगों ने लिया तो हमारा क्या हो गया, जब इसको हम लोगों ने लिया तो ये पार्ट इसके पैरेलल हो गया, दैट्स व्हाई यहां जितना पोटेंशियल है वो पोटेंशियल यहां पर भी होगा, इसीलिए हमारा हो गया E2 बराबर KL2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, लेकिन पहले प्रैक्टिकल को हम लोग प्रोसीड करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि नल पॉइंट इधर शिफ्ट करेगा अगर कोई फैक्टर अगर हम लोग चेंज करते हैं तो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग प्रैक्टिकल, चलिए देखते हैं। ये हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया, अब दिखाइए इसको बढ़िया से पोटेंशियोमीटर को। इसमें देखिए ये 1 मीटर वायर है, इसी तरह से 4 है यहाँ पर 4 मीटर वायर, और जो मैंने अभी बताया जो मेटेलिक स्ट्रिप के साथ ये जो कॉम्बिनेशन है इसको सीरीज में कन्वर्ट करता है ये मेटेलिक स्ट्रिप। अब देखिए इसके नीचे हमारा जुड़ा हुआ है मीटर स्केल है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं लेंथ। ये हमारा टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ठीक ना। टर्मिनल ए को पॉजिटिव बनाएंगे, टर्मिनल बी को नेगेटिव बनाएंगे। अब हम लोग कनेक्शन देते हैं। ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है जो ड्राइविंग सेल है जिसको हम लोग रखे हैं, इसको 2 वोल्ट में रख रहे हैं हम लोग। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कनेक्शन करेंगे कनेक्टिंग वायर। हम चाहे तो यहाँ एमीटर जोड़ सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ यहाँ पर प्रैक्टिकल में। देखिए इस जगह पर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड कर दिया। दूसरी बात, जो नेगेटिव है हमारा, आपने अभी फिगर में देखा था कि नेगेटिव को हमने रियोस्टेट से जोड़ा था, इसीलिए ये जाएगा रियोस्टेट में, और ये नेगेटिव टर्मिनल हमारा हुआ यहाँ कनेक्शन। ये देखिए अब ये रियोस्टेट है जिसको RH लिखे थे हमने वहाँ पर, ठीक ना। और अब इसका दूसरा टर्मिनल जो है हम लोग कनेक्शन करेंगे इस पॉइंट पर, ये B माने थे हम लोगों ने यहाँ पर, और देखते हैं हम लोग ये हमारा अब देखिए ये हमारा हो गया नेगेटिव टर्मिनल। कनेक्शन बहुत सिंपल है, पॉजिटिव वायर को मैंने लिया और एंड ए पर कनेक्ट किया, नेगेटिव को रियोस्टेट के थ्रू पर एंड बी में आया। अब देखिए ये हमारा प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल यही होता है जो रिचार्जेबल नहीं होता है, एक बार यूज करते हैं फेंक देते हैं, ठीक है ना। इसी दोनों
ईएमएफ कनेक्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा सेल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, इसको दिखाइए, है ना, ये जो डॉट्स है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैक साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। देखिए हमने यहाँ तार निकाला, नेगेटिव साइड में भी दो तार है और पॉजिटिव साइड में भी दो तार है। हम लोग इनका निकालना है, क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है सबसे पहले। तो देखिए ईएमएफ निकालने के लिए इन दोनों के पॉजिटिव वायर को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया एक साथ, और कनेक्ट करने के बाद इस पॉजिटिव जो एंड ए को मैंने पॉजिटिव माना था इसमें कनेक्शन मैंने कर दिया, ठीक है। अब कनेक्शन होने के बाद ये देखिए कनेक्ट हो गया पूरा। अब ये हमारा टू वे की है, ठीक है, यानी एक टाइम में एक ऑन रहेगा एक ऑफ रहेगा। मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ टू वे की में। देखिए आप, ये वेरी सिंपल है, ये थ्योरी में भी हमारा फर्स्ट टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ये इसका थ्योरी जो है इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये हम लोग कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से एक वायर निकालते हैं हम लोग, ठीक ना, यहाँ से एक वायर निकालते हैं हम लोग इसके मिडिल पॉइंट से, ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अब ये जाता हमारा गैल्वेनोमीटर में, आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बॉक्स में, रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बर्निंग, है ना, जलने से बचाता है। वैसे नल पॉइंट में इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये सारा टाइट होना चाहिए नहीं तो एक्टिव हो जाएगा सारा रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए ये सारा टाइट है हमारा। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसका जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ से एक वायर निकालते हैं हम लोग, और वायर निकालने के बाद हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके पॉजिटिव में हम लोग कनेक्शन देंगे, है ना, और कनेक्शन देने के बाद इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से एक वायर लेंगे हम लोग, यस हो जाएगा, इससे हम लोग जॉकी जिसको हम लोग स्लाइडर कहते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। ये देखिए जॉकी है, ये हमारा ये मेटेलिक पेन है, इसके मेटेलिक पेन भी कह सकते हैं, इसको स्लाइडर भी कहते हैं, इसे जॉकी भी कहते हैं। देखिए हो गया, ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं ये ऑन है कि नहीं। देखिए यस ये एक्टिव है, ऑन भी है। अब हम लोग चेक करने के लिए देखिए यहाँ पर दिखाइए, ये इसको हम लोग ऑन किए, है ना, ये ऑन किए, ये ढीला भी हो सकता है अगर पुराना है तो, इसीलिए इसको थोड़ा सा ये ढीला है, ठीक है। ये फर्स्ट जो हमारा सेल है ये एक्टिव हो गया, और दूसरा सेल चूँकि यहाँ हम लोगों ने नहीं लगाया है तो ये हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है, ये हमारा ऑफ रहेगा। चलिए अब चेक करते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ टच करते हैं पॉइंट ए में, टच किए, देखो पॉइंट ए में टच किए, गैल्वेनोमीटर में दिखाइए डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में है, है ना, क्लियर है। और जब पॉइंट बी में हम लोग टच किए तो दिखाइए वहाँ पर गैल्वेनोमीटर में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप पकड़िए थोड़ा सा, देखिए इसका मतलब ये बायलिसिन लेंथ ये चाह रहा है कि और हमको दीजिए। देखिए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रियोस्टेट में इस तरह से वेरिएशन लाया मैंने, तो देखिए आप वहाँ पर गैल्वेनोमीटर वो अपने पोजीशन पे आ गया, रियोस्टेट में जैसे हम उसके वैल्यू को चेंज किए ये लेफ्ट साइड में आ गया। अब आप देखिए यहाँ से फिर दिखाइए कि जब इसका पॉइंट ए में कनेक्ट किए तो वो देखिए वहाँ पर डिफ्लेक्ट किया, फिर देखिए जीरो में आया, पॉइंट बी पर फिर इधर दिखाओ, पॉइंट बी पर जब मैंने कनेक्ट किया तो फिर देखिए उधर लेफ्ट एंड की ओर कनेक्ट हुआ। अब इसका कैसे हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे, सो देखिए हम लोग यहाँ से स्लाइड करना चालू करेंगे, दिख रहा है, स्लाइड करना चालू करेंगे इस पॉइंट से। देखिए आप वहाँ भी दिखाइए, वहाँ दिखाइए, गैल्वेनोमीटर में दिखाइए, कोई डिफ्लेक्शन है नहीं है, यानी नल पॉइंट नहीं मिल रहा है। देखिए हम लोग स्लाइड कर रहे हैं, नल पॉइंट नहीं मिल रहा, हम लोग स्लाइड कर रहे हैं, दिखाइए गैल्वेनोमीटर में भी दिखाइए, और जो हम स्लाइड कर रहे हैं उसको भी दिखाइए। ये हुआ, यहाँ तक में नल पॉइंट नहीं आया, अब हम लोग वहाँ दिखाओ, वहाँ उस कोना में दिखाओ, है ना। अब यहाँ से हम लोग इसमें आएंगे, इसमें आए फिर भी यहाँ दिखाइए, फिर भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं है। अब देखिए तो ऊपर से फिर अब हम स्लाइड करना चालू किए यहाँ पर,
यहाँ स्लाइड करना चालू किए तो आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, दोनों साथ साथ दिख रहा है। जब स्लाइड करना चालू किए तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, यानी ये चलते जाएगा। देखिए दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, मैं दिखा रहा हूँ दोनों को। देखिए स्लाइड करते 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 नहीं, देखिए मैं 200 में चला आया फिर भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। चलिए हम 300 में हम एंट्री ले रहे हैं, ये 300 वाली लेंथ में एंट्री हो गया मेरा। देखिए अब देखिए इसमें डिफ्लेक्शन, ये जो निडिल है वो ही है ना डिफ्लेक्ट करना चाह रहा है। अब देखिए अब डिफ्लेक्शन इसका स्टार्ट हो रहा है। देखिए देखिए 300 में भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अब 400 में एंट्री ले लिए, 400 लेंथ में देखिए दोनों दिख रहा है ना, डिफ्लेक्शन और वो स्लाइडिंग। अब देखिए जब चल रहा है ये हमारा, तो ये लगभग हमारा आ गया, देखिए अब आ रहा है ये डिफ्लेक्शन, देखिए आ रहा है ना। देखिए हम स्लाइड कर रहे हैं, देखिए जीरो में आ गया, ये आ गया जीरो में, वहाँ दिखा है मेरे हैंड को, जीरो में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 100, 200, 300 हम लोग उधर से आ रहे हैं, तो जब उधर से हम लोग आ रहे हैं तो इधर वाले को देखेंगे। देखिए यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ है, ये वाला लेंथ देखेंगे तो ये कितना लेंथ है, 68, यानी 368 सेंटीमीटर हुआ हमारा कौन, L1। तो दिखाइए यहाँ कैसे लेंगे हम लोग, यानी यहाँ L1 बराबर हो गया 368 सेंटीमीटर, यानी E1 अभी हम लोग पढ़े थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या पढ़े थे, L1। ये हमारा आ गया यहाँ पर। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस पॉइंट को हम लोग दिखाओ यहाँ पर, ये इसको हम लोग ऑफ किए, अब इसको ऑन किए, किसको, सेकेंड वाले को। अब ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, चलिए इसको फिर हम लोग चाहे तो यहाँ चेक कर सकते हैं, है ना। दिखाइए यहाँ देखिए अभी जीरो डिफ्लेक्शन में है, इसको ए पर जब टच किए तो देखिए ये हमारा किधर पर आया, आया ना लेफ्ट साइड में, ए में जब टच कर रहे तो लेफ्ट में आया, और देखिए यहाँ जब बी में टच करेंगे तो ये वो राइट साइड में गया गया। देखिए ध्यान से देखिए, है ना, यानी सही है। चलिए हम स्लाइड करना चालू करते हैं, दिखाते जाओ, फिर सेम प्रोसीड्यूर हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए स्लाइड चल रहा है, कोई डीप, स्टॉप स्टॉप, चलो दबाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ मैंने टच किया तो ये हमारा लेफ्ट साइड में है, और जब स्लाइड करना चालू कर दिया मैंने यहाँ से, देखिए ठीक है, रुको इसको इस तरह से रखो, इधर दबा के, ये ढीला है थोड़ा सा, चलिए ये हो गया, ये स्लाइड होने लगा। देखिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। फिर हम लोग 200 वाले लेंथ में आए, है ना, जहाँ छूट जाता है फिर हम लोग वहाँ से, जैसे यहाँ छूट गया मेरा हाथ फिर वहीं से स्टार्ट कर देंगे। फिर देखिए ये स्लाइड होना चल रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग 300 वाले लेंथ में आएंगे, फिर आप देखिए साथ साथ दिख रहे हैं दोनों, देखिए 300 में भी डिफ्लेक्शन नहीं दिया। चलिए 400 वाली लेंथ में हम लोग एंट्री किए, अब देखिए ये दिख रहा है बच्चा, देखिए अब ये जीरो हमारा आ गया यहाँ पर, नहीं देखते हैं थोड़ा सा और, देखिए जीरो में आ गया, देख लो। अब इसको देखना है कि देखिए इस लेंथ में आया है जीरो, देखिए यहाँ पर आया, तो 100, 200, 300 और ये 400 में आ रहे हैं, इस लाइन में आ रहे हैं, तो 367 आ गया, 367, यानी L2 इक्वल टू कितना हो गया, 367 सेंटीमीटर, यानी E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 367 सेंटीमीटर। ये अभी का प्रैक्टिकल हुआ। अब देखिए इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और जब हमारा L1 तीन बार लेंगे और L2 तीन बार लेंगे, मीन निकालने के बाद E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2 कर देंगे। देखिए आप यहाँ पर पुट अगर करें अभी 368 बाई 367, यानी समथिंग 1.1 समथिंग आएगा यहाँ पर, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके लिए पहले से ही बना हुआ है, इस कॉपी को दिखाइए, प्रैक्टिकल क्या हुआ है पहले से, आप देखिए कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखा जाता है वो भी देख लीजिए, और वो प्रोसेस है। आप देखिए यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट 3 है, कॉपी बढ़िया से दिखाओ, ऐसे मैं इसका लिंक भी, देखिए टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, देखिए उसका एपरेटस रिक्वायर्ड भी है, क्लियर दिख रहा है एपरेटस रिक्वायर्ड, आप लिख सकते हैं एपरेटस में क्या चाहिए, पोटेंशियोमीटर चाहिए, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर, बैटरी एलिमिनेटर, एम मीटर, रजिस्टर बॉक्स, जॉकी, 2 प्राइमरी सेल्स, 2 की, है ना,
और वोल्ट मीटर नहीं चाहिए हमें। क्लियर है? क्लियर। अब देखिए ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला है, E1 by E2 बराबर L1 by L2, ये हमारा हो जाएगा। प्रोसीड्योर आप जो है 2-3 लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रोसीड्योर लिखना नहीं रहता है। अब देखिए ये डायग्राम हो गया, ये हमारा यहाँ पर ये रियोस्टेट हो गया, ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉइंट नेगेटिव, इसी को ए बोलते हैं और इसी को बी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा दो प्राइमरी सेल हो गया K1 K2। यहाँ से एक और दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये हमारा J1 और दूसरे के लिए हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ से, ये हमारा J2 और L1 L2 हमारा मिल जाएगा। ये डायग्राम कंप्लीट है, प्रोसीड्योर ही है, थोड़ा सा बढ़िया से दिखा दो। ये प्रोसीड्योर आप लिख सकते हो, वेरी इजी है, है ना। इसका मैं PDF भी शेयर करता हूँ। देखिए ये L1 का हम लोगों ने यहाँ पहले दूसरे एक्सपेरिमेंट में लिया गया है, 353 है, दूसरा बार में लिया 352, तीसरा बार में लिया 349। L2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ है 352, 351, 351। अब देखिए मीन ऑफ L1 लिए तो इतना आया, आप देख लीजिए इतना सेंटीमीटर आया, मीन ऑफ L2 लिए इतना सेंटीमीटर आया, और फाइनली वी हैव जो फॉर्मूला हमारे पास, दोनों को पुट कर दिए, है ना, और ये लगभग हमारा 1:1 है, कटने के बाद 1 आता है, देयरफॉर EMF 1:1 आया है। किसी में अभी देखे हमारे में कि 1 point something आ रहा था, इसमें हमारा एक्यूरेट है। अब प्रिकॉशंस लिख देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये फिनिश्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।